अगर मैं भी बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता था, मैं सोच ही नहीं पाता था और घूम फिर के मुझे हर थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन ही देखना पड़ता था। बिना DSA के आप किसी भी कंपनी को क्रैक नहीं कर सकते हैं। कि माइक्रोसॉफ्ट में भी ऑलमोस्ट सभी को अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस मिले थे। वो थोड़ा इंटरव्यू डिपेंडेंट भी होता है और कभी कभी कंपनी डिपेंडेंट भी होता है। Hi guys, I am Naman Gupta, upcoming SDE at Microsoft. In this video, I would be discussing 5 things that helped me crack Microsoft. So all these things worked for me and I would suggest ki aap log bhi inhe apne college time mein try kijiye. So video start karte hain, par usse pehle ek cheez, agar aapko video pasand aaye to please like kijiye and also share it with your friends taki wo bhi isse benefit ho sake. तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। बिना DSA के आप किसी भी कंपनी को क्रैक नहीं कर सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट के अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो उसमें सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें 2 DSA के क्वेश्चंस थे जो कि स्ट्रिंग एरे एंड सम पार्ट ऑफ DP का यूज से हम सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद 3 इंटरव्यू राउंड थे जिसके अंदर हर राउंड में एक एक DSA का क्वेश्चन था जो कि बाइनरी ट्री, जेनरिक ट्री, ग्राफ्स, बैक ट्रैकिंग एंड सम अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड एरेज का यूज से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी में सिलेक्शन के लिए DSA जो है वो 80% रोल प्ले करता है, बाकी 20% आपके प्रोजेक्ट हो गए, आपके जो इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस जो हो गए वो चीज़ हो गई एंड सम अमाउंट ऑफ OS, DBMS एंड OOPS हो गया। बट DSA जो है वो मस्ट है ही है। इसमें भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कौन कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कोई नहीं है, यानी कि आप स्टैक हो, क्यू हो, ग्राफ हो, ट्रीज हो, DP हो, बैक ट्रैकिंग हो, एरे हो, स्ट्रिंग हो या कोई भी और टॉपिक हो, सबके सब इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने जो और फ्रेंड से डिस्कशन हुआ था उस एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट में भी ऑलमोस्ट सभी को अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस मिले थे। वो थोड़ा इंटरव्यू डिपेंडेंट भी होता है और कभी कभी कंपनी डिपेंडेंट भी होता है। तो DSA की नॉलेज तो एकदम होनी ही होनी चाहिए। तो अब इसको आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही ला सकते हैं जो कि आपको कई टाइम तक करनी होगी। अगर मैं भी बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता था, मैं सोच ही नहीं पाता था और घूम फिर के मुझे हर थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन ही देखना पड़ता था। बट जब मैंने 6 मंथ अपनी पूरी प्रैक्टिस कर ली DSA की अच्छे से तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया एंड इसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की। एंड नाउ मैं ब्रीफली बताता हूँ कि एक्चुअली मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी अपने DSA की। तो सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो कोडिंग निंजास के DSA के कोर्स से ही किया था। जब मेरा वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने 3 प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। एक तो था गीक्स फॉर गीक्स, एक इंटरव्यू बिट एंड एक लीड कोड। सबसे पहले गीक्स फॉर गीक्स पर मस्ट डू जो क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज वो करे थे। उसके बाद इंटरव्यू बिट पे अराउंड 350 क्वेश्चंस होंगे। कुछ तो जो हमने कोडिंग निंजास के कोर्स और GFG में करे हैं वो मतलब 50% तो एटलीस्ट थे जो कि सेम क्वेश्चन थे, बट स्टिल मैंने इंटरव्यू बिट पर सॉल्व करे थे बिकॉज प्रैक्टिस होने से थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। एंड जब ये सब हो गया तो उसके बाद मैंने रैंडमली लीड कोड पर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे एंड वीकली कंटेस्ट देना शुरू करा। तो ये थोड़ा ब्रीफ था मेरी प्रिपरेशन का। ना दूसरी चीज़ जो होती है वो है कंसिस्टेंसी, और इसके बारे में तो लगभग हर दूसरा इंसान बोलता है। और सिर्फ प्लेसमेंट प्रिपरेशन नहीं, भले कुछ भी हो, आपका वो JEE का टाइम रहा हो, आपके बोर्ड्स रहे हो या कुछ भी रहा हो, कंसिस्टेंसी जो है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप 350-400 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक आपने किया वो 6 मंथ में, एक आपने किया वो 2 मंथ में, तो ऑफकोर्स वो 6 मंथ वाला ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम ज़्यादा टाइम मिला सोचने का उस क्वेश्चन को, साथ में अगर आपके पास टाइम है तो आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं एंड उससे हो सकता है कि आपको और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पता चले, जो कि अगर हम वही चीज़ 2 मंथ में करेंगे तो हमारे पास कम टाइम होगा और हम नहीं कर सकते। मैंने जो अपनी प्रिपरेशन करी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स चली थी, जिसमें DSA एंड अदर देन दैट जो कोर फंडामेंटल्स होते हैं एंड थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का पार्ट, ये सभी चीज़ उसमें कवर थी। तो डिटेल में अगर आपको ये देखना हो कि किस तरह मैंने प्रिपरेशन करी है तो एक अंकुश सिंगला सर के साथ मेरी वीडियो ऑलरेडी है,
तो आप लोग प्लीज़ उसमें जाके देख सकते हैं कोडिंग निंजास के चैनल पर ही। तो थर्ड चीज़ जिसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी वो थे कंटेस्ट। किसी भी कंपनी का सबसे पहला जो राउंड होता है वो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होता है, जिसमें जनरली आपको 1 hour में 2 questions या 1.5 hour में 3 to 4 questions सॉल्व करने होते हैं। अब साथ में अगर आप सबसे पहले जाते ही ये टेस्ट देते हैं तो आपके मन में यही डर होता है कि आखिर हम वो क्वेश्चंस इतनी जल्दी करेंगे कैसे। पर अगर आपको उस कंपनी का वो राउंड क्लियर करना है देन आपको 100% क्वेश्चंस करने ही थे। जैसे कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट में 1 hour में मुझे 2 questions करने थे जो कि मेरे 100% सॉल्व हो गए थे। अगर मेरे वो नहीं हो पाते तो मैं किसी भी तरह से इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए मुझे कंटेस्ट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि कंटेस्ट में भी 1.5 hour में 4 questions करने होते हैं। तो उसने मुझे जो मेरे मन में टाइम से रिलेटेड डर था कि आखिर इतनी जल्दी मैं इतने सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूँगा, वो बिल्कुल निकाल दिया। उसके अलावा आपकी जब आप कंटेस्ट देते हैं तो आप अपनी रैंक इम्प्रूव होते हुए जब देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। अब कंटेस्ट तो आप ऑलमोस्ट कंटेस्ट हो या चाहे टाइमिंग टेस्ट हम बोलें, कुछ भी हो वो ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म पर है, चाहे वो कोर्स स्टूडियो हो, चाहे लीड कोड हो, चाहे इंटरव्यू बिट हो, या फिर आपका हैकर अर्थ, हैकर रैंक, कोई भी हो। मैंने पर्सनली अपनी प्रिपरेशन के टाइम प्लेसमेंट से 2 months पहले लीड कोड पर वीकली कंटेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे, जो कि मैंने ऑलमोस्ट हर वीक दिए थे। एंड अगर किसी भी वीक में मिस कर देता था तो मैं ज़रूर से उसको एज वर्चुअल कंटेस्ट देता। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कंटेस्ट तो ज़रूर से दें, वो काफ़ी 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 ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपसे। इसके अलावा जो फोर्थ चीज़ वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है मेरे लिए, वो है हेल्पिंग आउट अदर्स। उसमें क्या था कि मैं जनरली अपनी प्रिपरेशन के टाइम अपने फ्रेंड्स की हेल्प करा करता था, यानी कि कभी उन्हें कोई कोड समझ नहीं आ रहा हो या उन्हें डीबगिंग में प्रॉब्लम हो रही हो तो आई यूज़ टू हेल्प देम। उससे मुझे भी मेरी एक तो डीबगिंग की जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हुई, साथ में उनको कभी कोई क्वेश्चन समझाना होता था तो उससे मेरा भी वही सेम क्वेश्चन पूरी तरह से रिवाइज होता था। इसके अलावा मैंने एज TA भी वर्क करा है, बट वो कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से मैंने कुछ डेज में छोड़ दिया था, बट अगर वो भी कंटिन्यू करता तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी 2 options हो आपके पास, भले TA का हो या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कर रहे हो तो उसकी हेल्प कर सकते हो, या किसी भी तरह से अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो आपकी डिबगिंग स्किल्स को, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो अब चलिए लास्ट चीज पर चलते हैं जिसने मेरी हेल्प करी माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करने के लिए, एंड वो थे फंडामेंटल कोर सब्जेक्ट जो कि हमारे OOPS है, DBMS है, कंप्यूटर नेटवर्क है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का भी इंटरव्यू था उसमें और कुछ तो नहीं पूछा, बट हाँ लास्ट इंटरव्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रिटिकल सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर थे। बट इसके अलावा जो मेरे और कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस रहे हैं तो उस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ मेरा बल्कि एक ऐसा इंटरव्यू था जिसमें पूरा ही इंटरव्यू OOPS, OS एंड DBMS से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये जो 3 subjects हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। CN एक बारी के लिए अगर आप छोड़ भी देते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं फोकस पर होता है, कुछ ही कंपनीज होती है जो CN को से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछती है। अगर हम जैसे Amazon की बात करें तो Amazon में इंटरव्यू में तो चलिए DA से रिलेटेड ज़्यादा फोकस रहता है, बट जो हम लोगों का ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होता है उसमें इन सभी के MCQ भी होते हैं। एंड इसके अलावा आई वुड से कि आप एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन रेगुलर रखिए, क्योंकि Amazon, गोल्डमैन सैक एंड कई ऐसी कंपनीज है जो कि एप्टीट्यूड के बेसिस पर भी आपको टेस्ट करती है। कई बार होता है कि हमसे ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में जितने क्वेश्चंस हैं, सपोज में 2 questions हैं, हमने दोनों के दोनों सॉल्व कर लिए हैं वो भी 100%, बट हो सकता है वो बाकी सबने भी कर लिया हो। तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमारे इन्हीं MCQs पर डिपेंड करता है। एंड जनरली MCQ जो होते हैं एप्टीट्यूड, OS, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड ही होते हैं। तो आई वुड से कि आप लोग प्लीज़ इन 4 subjects को एंड इसके अलावा एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस को भी रेगुलरली कीजिए। तो गाइस चलिए अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 5 चीज़ें आप भी ट्राई कीजिए कि अपने प्रिपरेशन प्लान में ऐड कर सकें, एंड कुछ टाइम का ही एफर्ट है, तो गो फॉर इट। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।